ऑफ एमएस वर्ड इन एजुकेशन। अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो एमएस वर्ड जो है वो क्या है, उसके अंदर किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल्स विच कैन बी यूज बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल टूल है, ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हम काम इस पर कर सकते हैं और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही यानी कि स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टीचर्स भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिंग नोट्स इज़ ईजियर यूजिंग एमएस वर्ड एज दे कैन बी मेड मोर इंटरेक्टिव बाय एडिंग शेप्स एंड इमेजेस। अगर हमने कोई भी नोट्स हमको क्रिएट करना हो, किसी भी किस्म के नोट्स हो सकते हैं, तो बहुत आसान है अगर हम एमएस वर्ड को यूज़ करें। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह और शेप्स को ऐड करके इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इट इज़ आल्सो कन्वीनियंट टू मेक असाइनमेंट्स ऑन एमएस वर्ड एंड सबमिटिंग दैम ऑनलाइन। और ये बहुत ज़्यादा आसान है कि हम इसके ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह बनाएँ और बनाकर इसको ऑनलाइन सबमिट भी करवा सकते हैं। इन वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस में देखा जाए, सबमिटिंग लेटर्स, बिल्स, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, लेटर हेड्स, सैम्पल डॉक्यूमेंट्स कैन ऑल ईजीली बी डन यूजिंग एमएस वर्ड। यानी कि हम कोई भी लेटर्स, बिल्स, रिपोर्ट्स हैं, लेटर हेड्स हैं, सैम्पल्स, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आसानी के साथ फिलअप करके, आसानी के साथ परफॉर्म करके उसको परफॉर्म कर सकते हैं आसानी के साथ और उसको सबमिट करवा सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं अपडेटिंग रिज्यूम। अपडेटिंग रिज्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम एडिट कर सकते हैं। अब रिज्यूम जो है, रिज्यूम का मतलब होता है सीवी, सीवी या रिज्यूम, दोनों वर्ड्स बोले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है रिज्यूम वर्ड बोला जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू क्रिएट योर रिज्यूम्स एंड इज़ ईजी टू एडिट एंड मेक चेंजेस इन इट एज पर योर एक्सपीरियंस। यानी कि अगर देखा जाए तो अपने तजर्बे के मुताबिक हम रिज्यूम्स वगैरह जो आसानी के साथ बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। फॉर ऑथर्स, अगर ऑथर्स के लिए देखा जाए, सिंस सेपरेट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्सेट्रा, इट इज़ द बेस्ट टूल विच कैन बी यूज्ड बाय ऑथर्स फॉर राइटिंग बुक्स एंड एडजस्टिंग इट एज पर द लेआउट एंड अलाइनमेंट ऑफ योर चॉइस। यानी कि ऑथर्स जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है, यानी कि इसके अंदर टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स भी बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन टूल है ऑथर्स के लिए भी, जिसके अंदर वो आसानी के साथ किताबें भी लिख सकते हैं और उनको अपने मुताबिक जो है उसका लेआउट बना सकते हैं, यानी कि उसकी जो उसका डिस्प्ले है वो बना सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। एंड नाउ माई टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।